नैन्सी, तुम मुझे प्रैक्टिस करने दोगी या नहीं? बंद करो ये गाना। मरिया, मरिया। हाँ हाँ सुन लिया, क्यों चिल्ला रहे हो? मरिया क्या है? नैन्सी आई मामा। साबी आ जाओ। आज तबीयत कैसी है? ठीक है मामा। रोज रोज काम पर जाती है, थोड़े दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेती, ठीक हो जाएगी। मुझे क्या हुआ है? क्या पता नैन्सी, कुछ दिनों से देख रही हूँ ठीक नहीं है, चेहरा उतर गया है। तुम्हें तो बिना बात की फिक्र लग रही है। चाइना साबी। गुड मॉर्निंग मम। हाय सिस। मम्मी नैन्सी रो रही थी क्या? तू अपना काम क्यों नहीं करता? साबी दो नैन्सी को, मैं तुम्हें और बना दू। लेकिन मम्मी डियर तुम क्यों फिक्र करती हो? सब कुछ मैं खुद संभालूंगा, वैसे भी मुझे देर हो गई है, लगता है 8:50 की गाड़ी आज भी छूट जाएगी। तो अगली 9:10 की गाड़ी से चले जाना, 5 मिनट का एक तो काम है। नो मम्मी, ऑफिस में देर से नहीं जाना चाहिए। एक दिन देर से जाने से कुछ नहीं होता है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ चेले के पास। तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मुझे मालूम है। ओ डैड देखिए ना, मम्मी अभी भी मुझे बच्चा समझती है, मुझे सिर्फ एक सफारी सूट चाहिए और मम्मी चलेगी मेरे साथ कपड़ा और फिटिंग देखने। आप भी कुछ कहिए ना। अरे डॉक्टर ने नहीं कहा था? बिल्कुल शक नहीं, ये जैम टोनी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। लो टोनी खा लो। ओके मम्मी, शाम को जाएंगे टेलर के पास। नहीं कह दिया आज 9:10 की गाड़ी से जाना। बाय बाय मारिया डार्लिंग, लौटते वक्त सब याद करके ले आना। कितनी दफा कहा, बार बार दोहरा मत, एक दफा कहना काफी। फिर भी तो आधी चीजें भूल आते हो। दूसरे दिन भी तो कुछ चीजें लाना चाहिए, एक ही दिन में सब चीजें ले आऊं। अब जाओ, नीचे नैन्सी इंतजार कर रही होगी, कौन बहस करे तुमसे। गुड मॉर्निंग नैन्सी। गुड मॉर्निंग। आज बहुत स्मार्ट लग रही हो। चलो अंकल, 9:10 की गाड़ी आने से पहले पहुंचना है। जरा ख्याल रखना भैया, कुछ दिनों से कैसी गुमसुम से हो गई है। अरे पीछे से झगड़ा उगड़ा हो गया होगा, ठीक हो जाएगी। बाय। चलो नैन्सी चलो। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग नैन्सी। गुड मॉर्निंग हेनरी। अरे इतनी परेशान क्यों होती हो नैन्सी, कोई बच्ची तो नहीं है? पता नहीं, एक लड़का मिला भी, लगता है उससे भी अनबन से हो गई है। लड़कों की कमी है क्या, वो भी नैन्सी जैसे कमाऊ लड़की के लिए? तेरी नजर में है क्या कोई, तेरे भाई के यहाँ? इतनी जल्दी क्या है, मुझे देख, तीनों लड़कियों की शादी करके अकेली बैठी हूँ। रखना कुछ दिन और तेरे पास, एक दिन तो जाएगी ही। पता नहीं क्यों हमेशा फिक्र लगी रहती है। अच्छा अच्छा चार्ल्स भैया से पूछती हूँ, शादी कहाँ है? सुन तो रही हो, अंदर लगा है अपनी वायलिन पर। दुनिया में तो सिर्फ वायलिन ही है उसके लिए और कुछ नहीं। अगर कोई जान पहचान का लड़का हो तो उसे बुलाना हमारे यहाँ खाने पर। देख कौन आ रही है। आते ही कहेगी अभी चली जाऊंगी, फिर 2 दिन रह जाएगी तू देख। आओ आंटी आओ, आज रास्ता कैसे भूल गई? हेलो। मैंने सोचा एक बार देखा सब लोग कैसे हैं, लेकिन अभी चली जाऊंगी। हाँ हाँ चली जाना, खाना वाना तो खा कर जाओ। अच्छा। अच्छा हुआ। हाँ। हेलो नार्वेकर। हेलो अंकल। Thank you.
लगता है इस बार ठंड जल्दी शुरू हो गई है। क्या बात है, शिका की नायिका किसी बदमाश के चंगुल में फंसी हुई है? नहीं नहीं, तो जरूर नायिका के कमरे की खिड़की से हीरो अंदर आ गया है और नायिका परेशान है कि किसी को पता न चले। नैन्सी इतनी चुपचाप क्यों? क्या बात करूं? ओ कम ऑन नैन्सी, कुछ तो बातें करो। देखो मैं किस तरह बातें कर रहा हूँ। मैं किताब पढ़ रही हूँ। ओ तुम्हारा पीटर कहाँ है, कई दिनों से नजर नहीं आ रहा। अंकल पीटर मेरा नहीं है और उसके बारे में मुझसे कोई पूछताछ करने की जरूरत भी नहीं है। सॉरी सॉरी नैन्सी, गलती हो गई, आइंदा नहीं पूछूंगा। मैंने इसलिए पूछा कि तुम्हारे दोस्तों में पीटर ही सबसे अच्छा और मिलनसार लड़का है। अंकल मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, न बॉयफ्रेंड न गर्लफ्रेंड। मेहरबानी करके मेरे दोस्तों के बारे में आइंदा मुझसे कोई बातें ना करें। सॉरी नैन्सी। बाय बाय मारिया। चलो नैन्सी डार्लिंग जल्दी करो, नहीं तो 9:10 की गाड़ी छूट जाएगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग नैन्सी। गुड मॉर्निंग। सभी है अंदर? हाँ है अंदर। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग हेनरी। आंटी सभी है अंदर? है तो सही, मगर अभी कॉलेज जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगा। अच्छा, जब देखो आ जाता है, ना काम ना धाम। हेलो प्रभाकर। हेलो टॉम। हेलो, दवाई मिली? मिली मिली। गुड गुड। मैं कह रहा था ना, ठंड इस बार जल्दी शुरू हो गई है। हाँ। नैन्सी डार्लिंग, पीटर से तुम्हारा झगड़ा हो गया? ओफो अंकल, मैंने कह दिया ना मुझसे मत पूछा करो किसी के बारे में, मुझे किसी भी लड़के से कोई दिलचस्पी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो नैन्सी, अब तक तो तुम्हारी शादी होकर तुम्हें 2 बच्चे हो जाने चाहिए थे। तुम्हारी उम्र में तुम्हारी आंटी के 2 बच्चे हो गए थे। हाँ अंकल प्लीज, तुम और मामा, शादी के अलावा जैसे जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। तुम्हारी जैसी जवान जहान लड़कियों के लिए तो शादी। अंकल प्लीज स्टॉप इट, मैं इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहती। क्यों नहीं करना चाहती, आखिर वजह क्या है? तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो, बहुत हो चुका, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा और समझ भी लिया है। अब मुझे किसी और मर्द का सहारा नहीं चाहिए, सब खत्म हमेशा के लिए। सुन लिया? अब मेरा ख्याल है कि आप मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं पूछेंगे। बस इतनी सी बात है, मैं तो समझा था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी खतरनाक बात हो गई होगी जिससे जीना मुश्किल होगा। ये कुछ बात ही नहीं हुई, मेरे दिल पर क्या गुजरी है ये मैं ही जानती हूँ, और तुम कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 19-20 की उम्र में क्या कुछ संगीन नहीं होता, नाक पे एक मुहासा हो तो वो भी संगीन, किसी रोज साड़ी के लिए मैचिंग ब्लाउज न मिला तो मामला संगीन, इतवार के रोज चर्च में कोई खास आदमी नजर ना आया तो बस जीना बेकार। उधर देखना मत, मेरे सामने 2 रो छोड़कर वो चौथा आदमी है ना, वो लड़का तो अच्छा है, जवान भी है, होगा कुछ 27-28 साल का। जवान हो या बूढ़ा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मगर वो मेरी तरफ पूरी तरह से घूर रहा है। अच्छा
लड़के की पसंद तो अच्छी है। हाँ ये कागज उन तक पहुंचा दीजिए और उनसे कहिए कि उनके थ्रू वहां वो टकला बुड्ढा बैठा है ना, उन तक पहुंचा दे प्लीज। मेरा नाम टोनी ब्रगंजा है। आपके पास जो लड़की बैठी है वो आपकी बेटी है? नैंसी, उस लड़के ने चिट्ठी भेजी है, उसका नाम टोनी है। मामूली सा नाम है, हमारे मोहल्ले में ही चार टोनी है। भाई साहब मेहरबानी करके चिट्ठी वहां उस लड़के के पास पहुंचा दीजिए, बहुत जरूरी है। थैंक यू। नैंसी परेरा मेरी भांजी, मेरी बहन की लड़की, उसे तुम्हारा नाम टोनी बहुत पसंद है, तो मुझे अंकल टॉम कहा करो। थैंक यू अंकल टॉम। ये जान के खुशी हुई कि नैंसी को मेरा नाम पसंद है। नैंसी नाम भी बहुत प्यारा है, मेरी एक कजिन सिस्टर का नाम भी नैंसी है। आप दोनों रोज 9-10 की गाड़ी से ही सफर करते हैं, कल भी देखा आप दोनों को। मैं तो सिर्फ कल से ही इस गाड़ी से आ रहा हूं, अब रोज मैं भी 9-10 की गाड़ी से ही सफर किया करूंगा। रोज मुलाकात तो होगी, लगता है नैंसी की अभी शादी नहीं हुई है। नहीं, नैंसी की शादी अभी तक नहीं, उसे मेरी बच्ची समझो। क्या कर रहे हो अंकल, सब हमारी तरफ देख रहे हैं। बाय बाय। हाय नैंसी, फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे टोनी, गुड बाय और खुश रहो। बाय अंकल टॉम। उसे खुश रहो कहने की क्या जरूरत थी? इसमें क्या हो गया, दुनिया में सबको खुश रहना चाहिए। तुम्हें उसे बातें भी नहीं करनी चाहिए, वो समझेगा हमें उसे दिलचस्पी है। दिलचस्पी हो भी सकती है। हेलो, मैनेजर ने बुलाया है तुम्हें। रोज देर से आने लगे। अरे कैसे भी मैनेज करना था ना। दो दिन तो मैनेज किया, और कितना करूं? लेकिन तुम देर से क्यों आते हो? है कोई चक्कर, तुम नहीं समझोगे। सर आपको बुलाया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टोनी, बैठो। टोनी, हमें अगली इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का काम मिला है। आज से हर रोज शाम 5 के बाद घंटे 2 घंटे के लिए एग्जीबिशन वालों से मीटिंग होगी। मैं चाहता हूं कि तुम भी उन मीटिंग्स में शामिल रहो। आई एम सॉरी टोनी, तुम्हें हर रोज देर से घर लौटना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, मैं रोज देर तक ऑफिस में बैठा करूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर इफ यू डोंट माइंड, मुझे अगर रोज आधा घंटा ऑफिस में देर से आने की इजाजत मिल जाए तो सिर्फ आधा घंटा, मैं बांद्रा से 9-10 की गाड़ी पकड़ा करूंगा। ओह ग्लैडली, थैंक यू टोनी। तुम चाहो तो 1 घंटा लेट आ सकते हो। नहीं सर, आधा घंटा काफी है, 9-10 की गाड़ी पकड़ना जरूरी। 9-10, कोई खास बात है क्या? नो सर, मैं देर तक बैठा करूंगा। थैंक यू सर। ओके टोनी, ये ड्राइंग छोड़ो, जल्दी खा लो। 8:50 की गाड़ी नहीं पकड़नी है क्या? नहीं मॉम, आज मैं 9-10 की गाड़ी से जा रहा हूँ। क्यों,
लगता है तुम्हारी तस्वीर बना रहा है, जाके पूछता हूँ। रहने दो, पूछने की कोई जरूरत नहीं, और उसकी तरफ देखो भी मत। देखो भी नहीं? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, टोनी तुम क्या काम करते हो? अंकल मैंने इसी साल जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से अप्लाइड आर्ट लेकर पास किया है। अब एक्मे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट हूँ। अभी प्रोबेशन पे हूँ, लेकिन 6 महीने के अंदर कन्फर्म हो जाऊंगा। मेरा ऑफिस चर्च गेट पे है, और हाँ मैं बांद्रा पाली हिल में रहता हूँ। नौकरी अच्छी है, 6 महीने में आर्टिस्ट बन जाएगा, तनख्वाह भी अच्छी होगी। मुझे क्या करना है उसकी तनख्वाह से? लेकिन वो बना क्या रहा है अभी? लो टोनी। अरे भाई नैन्सी देखना चाहती है तुम क्या बना रहे हो। मरीन लाइन स्टेशन पर उतर जाना सिर्फ 5 मिनट के लिए। क्या कर रहे हो अंकल, सब हमारी तरफ देख रहे हैं। आओ बैठे। ओए, 3 चाय लाओ। नहीं अंकल, मेरे लिए ठंडा। अच्छा चाय नहीं, 3 लिमका लाओ। नैन्सी ये है टोनी ब्रिगेंजा। टोनी ये मेरी भांजी नैन्सी। हेलो। हेलो। वैसे मैं तो रोज मिलता हूँ नैन्सी से। रोज मिलते हो? तुम दोनों कहाँ मिलते हो? कहीं नहीं, मैं तो इनसे कभी नहीं मिली। अरे वाह, हम दोनों रोज लोकल ट्रेन में नहीं मिलते, क्यों अंकल? राइट राइट राइट। नैन्सी वैसे मुझे अब तो ऑफिस में रोज देर से जाने की इजाजत मिल गई है। टोनी नैन्सी तुम्हारा स्केचबुक देखना चाहती है, क्या क्या तस्वीरें बनाई। मैंने कब कहा मैं इनकी बनाई हुई तस्वीरें देखना चाहती हूँ? अरे नहीं कहा तो कोई हर्ज नहीं, टोनी अच्छा लड़का है, दिखा देगा, क्यों टोनी? ऑफ कोर्स, मैंने इसी साल स्कूल ऑफ आर्ट से पास किया है, इसीलिए अभी तक प्रोबेशन पे हूँ, लेकिन 6-7 महीने जाने दीजिए, मैं भी कुछ होके दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा, अब क्या मिलता है? अभी तो 300 मिलते हैं। ठीक है ठीक है। टोनी जो कुछ तुमने बनाया है उसे दिखाने में तुम्हें कोई एतराज है? नॉट एट ऑल अंकल, एतराज क्यों होने लगा, लेकिन एक आध मैंने बात देख टोनी, तो एक महिला जो तुम्हारा काम देखना चाहती तो क्या उसे दिखाने में तुम्हें कुछ एतराज होगा? नहीं नहीं कभी नहीं अंकल, ये तो मेरा फर्ज है। टोनी नैन्सी क्या ऐसी है दिखने में? ओह नो अंकल नो, मैं कार्टून में स्पेशलाइज कर रहा हूँ ना, इसीलिए नैन्सी तो देखने में क्या बताऊं। मैं क्या ऐसी हूँ? इतनी लंबी नाक, इतने बड़े बड़े दांत? नहीं नहीं ये बात नहीं है, ये एक कला है। हाँ मैं समझाता हूँ, व्हाट इज ह्यूमर? देखिए यहाँ चलो चलो टोनी, ये कोई वक्त है समझाने का, नैन्सी तुम्हें दफ्तर नहीं जाना? हाँ जाना तो है। एक काम करो टोनी, आज शाम तुम हमारे घर। अंकल तुम्हें क्या हो गया नैन्सी, हमारा भी तो कोई फर्ज है, एक शरीफ लड़का तुम्हें कुछ समझाना चाहता है, तुम उसे घर नहीं बुलाओगी? इनवाइट हिम। अच्छा तो आप आइए शाम को खाने पर, हाँ अगर कोई दूसरा काम हो तो। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, और अगर होगा भी तो सब छोड़ के चला आऊंगा। रिमेम्बर टोनी, करेरा मेंशन ग्राउंड फ्लोर सेंट सिरिल्स रोड बांद्रा। ओके चलो बेटे बॉय, ये लो पैसे। बाय बाय सनी। बाय। Daisy, give me your answer, do. I'm half crazy for the love of you. It won't be a stylish marriage,
ओ मम्मी तुम जाओ ना बाहर, तुम्हारी लाडली बेटी आती होगी। अरे बजाना। तुम जब भी गाती हो मेरी वायलिन बेसुरी हो जाती है। जब तुम्हारे डैडी बजाते थे हमें कहते थे गाने को। But you look sweet upon the seat of a bicycle built for two. अरे कहाँ जा रहा है? समुंदर के किनारे। वहाँ क्यों बजाता है? कोई समझेगा, भीख मांग रहा है। तुम यहाँ बजाने कहाँ देती हो? जब देखो तेरे डैडी ऐसे बजाते थे, नैन्सी की शादी कब होगी? अच्छा देख, तू होटल में बजाता है, वहाँ कोई अच्छा लड़का है? हाँ बहुत है। अच्छा, लेकिन उन्हें नैन्सी की मम्मी पसंद नहीं। क्यों? जब देखो बोर करती रहती है। अरे जाओ जाओ, नैन्सी शायद आ गई होगी। गुड इवनिंग आंटी। गुड इवनिंग हेनरी, क्या बात है? आंटी वो साबी है? नहीं साबी नहीं है, वो बाहर चला गया। आंटी कब आएगा? पता नहीं कब आएगा। अच्छा मैं फिर आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। आंटी आप मुझसे मजाक कर रही थी। हेनरी साबी तुम एक घंटे बाद आ जाना, तब तक नैन्सी भी आ जाएगी। नहीं नहीं मैं तो ठीक है ठीक है, मैं जरा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा मैं फिर आ जाऊंगा। बाय। अरे रोजी। हाँ भैया। आज एक लड़का खाने पर आने वाला है। कौन है? शाम को आएगा तब देख लेना। कोई रिश्तेदार तो नहीं है? अभी तक तो नहीं। कौन है नैन्सी, बताना कौन है, बोलना कौन है? मैं तो सोच रही थी आज पिक्चर जाएंगे, महमूद की नई पिक्चर लगी हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशन सिस, सुना कोई आज खाने पर आ रहा है? शट अप। बिगड़ती क्यों हो नैन्सी? यहाँ एक साइड टेबल और रखवा देती हूँ, और खाने से पहले कुछ फल और मिठाई दे देंगे उसे, ठीक है ना नैन्सी? और मैं मूड के लिए लव स्टोरी वाली धुन बजाऊंगा। सैबी जा तू यहाँ से। ओके ओके। और मामा मैं तुम्हें भी बता देती हूँ, ऐसा वैसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा वैसा? क्या ऐसा वैसा? मैं टोनी ब्रिगेंजा के बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही उससे कभी मिली हूँ। टोनी ब्रिगेंजा, नाम तो अच्छा है। टोनी, मिसेस नैन्सी टोनी ब्रिगेंजा, मेरी इकलौती लड़की से मिली है। मिसेस ब्रिगेंजा। मिसेस ब्रिगेंजा, कौन है ये मिसेस ब्रिगेंजा? तू जा अपना काम कर, बार बार यही आ जाता है। अरे मैं तो जा रहा था, तुम्ही ने रोक कर मुझे ये मिसेस ब्रिगेंजा के साथ मुलाकात करवा दी। कौन है ये मिसेस ब्रिगेंजा? तू जा जा, सिल्विया आंटी से कह देना कि हम आज सिनेमा नहीं जाएंगे, घर में मेहमान आने वाले हैं, जा। ओके ओके। नैन्सी टोनी ब्रिगेंजा करता क्या है? किसी कंपनी में है, 300 मिलते हैं। बस 300? तुझे तो 700 मिलते हैं। 300? चपरासी है क्या? मुझे क्या मालूम, लेकिन 300 तनख्वाह में तो अभी तक उसकी नौकरी पक्की नहीं हुई। अभी तक उसकी नौकरी पक्की नहीं हुई? नौकरी पक्की हो जाएगी तब कितनी तनख्वाह मिलेगी उसे? कब पक्की होगी, क्या तनख्वाह होगी, ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम और ना ही जानना चाहती हूँ। ट्रेन में मुलाकात हो गई, आज अंकल ने खाने पर बुलाया है, वो हमारे यहाँ मेहमान है पहली बार और शायद आखिरी बार। कैसे भी हो हमें उसे खिला पिला कर विदा करना है, बस इससे ज्यादा किसी को कुछ जाने की जरूरत नहीं। और तुम उसके सामने बड़बड़ बड़बड़ मत करना, तुम्हारी जो आदत है। ओह मामा, मैं तो बड़बड़ करती हूँ। ठीक है तुम लोग करो अपना अपना काम, मैं नहीं जाऊंगी सामने, मैं बातें भी नहीं करूंगी, तुम ही करना बातें। अब मुझे बातें करना ही नहीं आता, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं ना इसलिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें किसने पढ़ाया था? हाँ कौन पढ़ाता था तुम्हें ABCD? कौन ले जाता था तुम्हें स्कूल? बड़बड़ मत करना, हाँ ये भी कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का? ठीक है मैं अलग अपने कमरे में बैठे रहूंगी, तुम ही रहना यहाँ, तुम्हें अपनी ना समझ मम्मी के लिए शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। ओफो मामा, लीला बाजी क्यों परेशान हो रही हो? कह तो दिया बात नहीं करूंगी। तुम तो नाराज हो गई मामा, मैं तो सिर्फ यही कह रही थी, अच्छी तरह से कह रही हूँ कि नया आदमी है, वैसे कोई खास पहचान नहीं है इसलिए। सुनो, तेरे डैडी से जब मैं पहली बार मिली थी तब क्या मैं उन्हें पहचानती थी?
अच्छा मम्मा, सॉरी, गलती हो गई। टोनी, मामा, देखो टोनी आ गया। आओ आओ टोनी, वेलकम। नैन्सी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है? रियली? ऑफ कोर्स नैन्सी। सच, तुम मेरा इंतजार कर रही थी? कब से? देखने में तो अच्छा हूं मैं, नैन्सी जरूर मुझे पसंद करेगी। अगर ना किया तो? हेलो टोनी। हेलो नैन्सी। आइए। कम। मामा, दिस इज टोनी ब्रिगेंजा, ये मेरी मामा है। हाउ डू यू डू? हेलो टोनी, आओ बैठो। थैंक यू। अरे आराम से बैठो नैन्सी, ये गुलदस्ता तो ले लो। टोनी, ये अंगूर खा लो। नो थैंक यू आंटी, मुझे नहीं चाहिए, आप बैठिए ना। अच्छा ये एप्पल खा लो, बहुत मीठा है। आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप बैठिए, मुझे भूख नहीं है। अरे फल खाने के लिए भूख की जरूरत थोड़ी होती है। अच्छा ये चीकू ले लो, छोटा है। मामा रहने दो ना, शायद उन्हें फल अच्छे नहीं लगते। नहीं नहीं, मुझे फल अच्छे क्यों नहीं लगेंगे। ये लीजिए। अच्छा? अब तो आप आराम से बैठिए। आप उस दिन कुछ कह रहे थे ना, आर्ट ऑफ ह्यूमर के बारे में। ओ यस, हाँ। किसी को हंसाना, चाहे तस्वीर से हो या कुछ कहकर, ये एक आर्ट है। हम क्यों हंसते हैं? नैन्सी कह रही थी कि तुम्हारी नौकरी अभी पक्की नहीं हुई, कब होगी पक्की? बस यही कुछ 2-2.5 महीने और, उसके बाद मैं कंफर्म हो जाऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने सोचा 1-2 साल तक सिर्फ 300 रुपए तनख्वाह मिलती रहेगी। मामा बताओ 300 में क्या होता है ना नैन्सी? हाँ मामा। अरे ये अंदर कोई वायलिन बजा रहा है क्या? हाँ मेरा छोटा भाई है। ओह, कहीं बजाता है क्या? दादी कॉलेज में जाता है, कभी कभी होटल में बजाता है। नैन्सी काम करती है, 700 तनख्वाह है नैन्सी की। अच्छा टोनी, तुम्हारी नौकरी जब पक्की हो जाएगी तब कितनी तनख्वाह होगी? यही कोई सब मिला के 1000 के करीब होगी। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बैठी हो तो, मैं कॉफी नहीं पीता। अरे कॉफी भी नहीं पीते, फल भी नहीं खाते, कुछ तो लेना चाहिए।
ये लो केला खाओ। नैन्सी डार्लिंग तुम लोग भी सुनो। अरे कहाँ जा रहा है सभी? काम है मम्मी। सभी मीट टोनी ब्रिगेंजा, ये है मेरा छोटा भाई सभी। हेलो। हेलो नंबर टू। सभी जल्दी आना। हाँ ओके मम्मी। अच्छा टोनी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बस मम्मी और डैडी। अच्छा तुम घर के एक ही लड़के हो? जी नहीं, एक बहन है लेकिन उसकी शादी हो गई है। चलो घर में कोई झमेला भी नहीं है। हेलो एवरीबॉडी। हेलो टोनी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंकल, कहाँ थे आप? तेरा काम में था। अच्छा बताओ, नैन्सी को बताया कि तुम कार्टून क्यों बनाने लगे? नहीं बता तो रहा था लेकिन अभी तक कुछ बता नहीं पाया। अच्छा कोई बात नहीं, अभी बताओ मैं भी सुनूंगा। क्यों नैन्सी? जब मैं छोटा था तो अखबारों में कार्टून देखा करता था और मुझे बहुत हंसी आती थी, जैसे किसी औरत का शरीर और ऊपर गधे का सिर, या आदमी का शरीर और बिल्कुल बिल्ली जैसा चेहरा। एक तो मुझे अभी तक याद है अंकल, एक बिल्कुल दुबला पतला आदमी और लंबी सी बांसुरी बजा रहा है और पीछे पीछे हजारों चूहे चले आ रहे हैं और हर चूहे का सिर आदमी जैसा है और बांसुरी के मुंह पे उल्लू बोल रहा है। टोनी, फिर तुम्हारे डैडी ने तुम्हें किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर की क्या जरूरत थी आंटी, मुझे कुछ हुआ थोड़ा ही था। मैं तो बचपन से ही ये सब देखने का शौकीन था और बस देख देख कर मैंने भी कार्टून बनाना शुरू कर दिया। क्या कह रहे हो, तुम क्या बिल्ली चूहा बनाते हो? हाँ आंटी, कभी कभी। नहीं नहीं, ये सब शादी से पहले तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ये कोई बात हुई? गधे का सिर, उल्लू का मुंह। क्या बात है, तुम दोनों इस कमरे में बैठ के क्या कर रहे हो? जाओ बाहर घुमाओ, पासी में गार्डन है, समुद्र है, घर में भी बहुत देर है। रोजी, इन दोनों को घर में क्यों बिठा रखा है? थैंक यू अंकल, मैं यहाँ और बैठा तो आंटी मुझे घर के सारे फल खिला देंगे। चलो उठो उठो, चलो नैन्सी टोनी को आसपास की सब जगह दिखा ला। जा, जा। बाय आंटी, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। कुछ खाता वाता ही नहीं, सेहत कैसी बनी रहेगी? अरे नैन्सी सब संभाल लेगी, तू क्यों परेशान होती है? पता नहीं नैन्सी को पसंद आएगा या नहीं। क्यों नहीं पसंद आएगा, ये लड़का लाखों में एक है। हाँ अच्छा, सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा, ये पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम कर मगाए से हम है। नहीं जिस पर काबू, ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा, चांद बिजली बरखा पवन में शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में। तारे
कहिए सुनिए सुनिए कहिए हाँ हाँ सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा सबसे जुदा है चाहा है तुमको इसी वास्ते देखो नए रास्ते सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा अरे क्या गुमसुम से बैठी हो जरा देखो तो तुम्हारा हाथ अरे बहुत लंबी उम्र है 80-90 साल बहुत इमोशनल हो और बहुत जिद्दी भी इतना जिद्दी होना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं और शादी अरे दो शादियां हैं नाराज क्यों होती हो दो से ज्यादा शादियां भी हो सकती हैं देखो तो क्या बात है नैंसी नैंसी क्या हुआ नैंसी नैंसी बताओ तो प्लीज टोनी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ हमारी ही ऑफिस का एक लड़का था पीटर मैं पीटर को चाहती थी पीटर भी मुझे चाहता था कम से कम मैं तो यही जानती थी फिर क्या हुआ फिर एक दिन मैं बस से वापस आ रही थी ऑफिस से जल्दी चली आई तबीयत नहीं लग रही थी पीटर भी नहीं था बस में देखा मेरे सामने वाली सीट पर पीटर है और साथ एक लड़की बैठी है पीटर को नहीं मालूम था कि मैं पीछे आकर बैठी हूँ दोनों हंसी मजाक कर रहे थे पीटर ने यकायक मुड़ कर देखा वो भी दंग रह गया मुझसे लड़की का परिचय कराया जूली मुझसे नहीं रहा गया आंसू आ गए मेरे जूली समझ गई वो दोनों कुछ बातें करने लगे फिर वो उठे मुझे भी बुलाया पीटर ने हम सब चाय पीने एक रेस्टोरेंट में गए आपसे मैं एक बात साफ कह देना चाहती हूँ मेरी और पीटर की शादी तय हो चुकी है 6 जून को पीटर तुमने इन्हें बताया नहीं हाँ नैंसी मैं जूली से शादी कर रहा हूँ शायद तुम्हें यह नहीं मालूम मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है पहरेदारी से दूसरी नौकरी में जा रहा हूँ फिर कभी नहीं मिली पीटर से आज 5-6 महीने हो गए घर में मालूम है घर में यही मालूम है कि मैं पीटर से प्यार करती थी लेकिन ये नहीं मालूम कि क्यों सब टूट गया मैंने यही कहा कि पीटर नौकरी छोड़कर चला गया है बस इतनी सी बात है जो भी हो मैंने तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया है और इसी वजह से मैंने तय किया है कि मैं शादी नहीं करूंगी मेरी कहानी सुनोगी
मुझे भी एक लड़की मिली थी लोकल ट्रेन में, इस वक्त मेरे पास बैठी है। इस लड़की से पहले या इसके बाद और कोई लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आई और ना अब कोई गुंजाइश है। शाम को जल्दी आ जाना, मतगांव से फर्नांडिस आ रहा है। ओह नो मम्मी, मैंने मिस फर्नांडिस को देखा है, मैं शादी नहीं करता वहाँ। फिर क्या कहूँ उनसे? कह देना मैं और 3-4 साल शादी नहीं करने वाला। ठीक है, यही कह दूंगी। हाँ। पता नहीं तेरे डैडी क्यों सब लोगों को घर में बुला लेते हैं। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा के धूप में खिला है चांद दिन रात हो गई ये प्यार की बिनाते ही सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा के धूप में खिला है चांद दिन रात हो गई ये प्यार की बिनाते ही सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी बदल रहे हैं हम तिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम मेरे कदम मेरे कदम किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा के धूप में खिला है चांद दिन रात हो गई प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है सांस है ये कौन आज दिल में मेरे आस पास है ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा 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 मगर न जाने ऐसा क्यों लगा 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 के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गईं सुलझ गईं ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए के बोलने को कुछ नहीं रहा न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा कि धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है तुझ पर। ला 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 ला। कितने बजे आ रहा है टोनी? 6:30 बजे तक आ जाएगा। अच्छा अच्छा, जाकर तेरे अंकल से भी कह देती हूँ, टोनी और अंकल की खूब जमती है ना मामा। ठीक है, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी। बस मामा
जल्दी आ जाना, हैदर आती ही होगी। मरिया आजा रोजी। हेलो रोजी, बैठो बैठो। वो आ रहा है ना? हाँ भैया, एक महीने से तो आ रहा है। लगता है नैन्सी की शादी यही हो जाएगी। नैन्सी भी पसंद करने लगी है टोनी को। जाओ ना एक दिन लड़के के बाप से मिला जाकर। वो भी हो जाएगा, वक्त आने पे बात कर लूंगा। क्रिसमस के बाद ही शादी पक्की कर दे। कब आ रहा है? 6:30 बजे तक आ जाएगा। भैया तुम भी आ जाना नीचे। वो मुझसे मिलने आ रहा है या तुमसे? जब देखो भीड़ इकट्ठी करती रहती हो, हम दोनों यही रहेंगे। मैंने तो हेजल को भी बुला लिया। लो, हेजल को क्यों बुलाया? पूछ रही थी लड़का कैसा है देखने में। मैंने कहा चलो आज ही आ जाना, खुद ही देख लेना। यही तो गड़बड़ करती रहती हो, जरा अकल से तो काम लो। नैन्सी की सहेली है, मैंने सोचा चलो बुला लो, हर्जी क्या है। वैसे मैंने कह दिया है नैन्सी से, नैन्सी मैं तो चुपचाप ही रहूंगी। कुछ बहाना करके हेजल को रवाना करना, सहेली। अच्छा हाँ, नैन्सी से कहो हेजल को टेलीफोन कर दे, अभी आज ना आए। हाँ रोजी जा जल्दी, कहीं आना जाए। कभी अकल से कुछ काम लिया हो तो, आखिर है तो तुम्हारी ही बहन। नैन्सी हाय। अरे इतनी जल्दी आ गई। हाँ आंटी, मैंने सोचा कुछ काम तो है नहीं, चलो नैन्सी के साथ गप्पे मारेंगे। कितने दिनों से नहीं मिली। आप बैठे थे। कहाँ सिलवाई ये ड्रेस? अंकल फ्रांसिस लंदन गए थे, वहाँ सिलाया मेरे लिए। अच्छी है ना? बहुत। नैन्सी तू क्या इन्हीं सादे कपड़ों में बैठी रहेगी? क्यों आंटी, नैन्सी तो बहुत अच्छी लग रही है। अंदर जा बदल ले, टोनी आता ही होगा। वो नीली वाली ड्रेस पहनी। कौन सी मामा? वो नीली जरी वाली ड्रेस जो बनवाई थी, डॉली की शादी में पहनी हुई थी ना। क्या कह रही हो मामा, जरी वाली ड्रेस पहन के घर में बैठी रहूंगी? आंटी ठीक ही कह रही है, अच्छे कपड़े पहनेगी तो अच्छा रुआब पड़ेगा, समझेगा हाँ कोई है। मेरा ख्याल है टोनी पर रुआब डालने की कोई जरूरत नहीं, मैं जैसी भी हूँ टोनी को अच्छी लगती हूँ। हाउ स्वीट, कब आ रहा है टोनी? गुड इवनिंग आंटी। हेलो हेनरी। हाय नैन्सी। हेलो हेनरी, आओ। हेनरी मीट हेजल, मेरी क्लास में पढ़ती थी। हाय हेनरी। आज ऑफिस से जल्दी आ गई नैन्सी? नहीं तो रोज के टाइम पर तो आई हूँ। शादी का है? पता नहीं। वो क्या है वायलेंस, इतनी देर से आए। आप लोग परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं तो कोई जरूरी काम है क्या हेनरी? नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में सभी से मिल लूंगा। गुड नाइट हेनरी। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी। जब देखो आ जाता है, शादी है शादी है, क्या हमें नहीं मालूम क्यों आता है। अरे आज बालन की क्लास में नहीं गया? गया था मम्मी, टीचर के घर में जुड़वा लड़की पैदा हुई है, बस छुट्टी दे दी। हेलो साबी डाली। हेलो हेसन, क्या बात है इतना बंठन कर, किसका शिकार करने निकले हो आज? तेरी शैतानी अभी तक नहीं गई साबी। साबी तू आ गया है तो कुछ खा ले जाकर। मुझे भूख नहीं है मम्मी। अरे चल, भूख कैसे नहीं है चल। अरे रुक रुक, मैं खोलती हूँ दरवाजा, देखती हूँ कैसा है तेरा सोनी। मजा आएगा जब तेरी जगह मुझे देखेगा। ओ टोनी, हाउ स्वीट। आंट यू टोनी? कब से इंतजार कर रहे हैं। तो तुम हो टोनी, टोनी ब्रिगेंजा। अंदर आओगी टोनी, क्या इसी तरह हेजल का हाथ पकड़े खड़े रहोगे? हेलो आंटी। हेलो नैन्सी, यकायक एक अजनबी लड़की मेरे सामने पेश कर दी, वो भी यू नो। चलो लड़की पसंद तो आ गई,
मीट हेजल पिंटो, मेरी सहेली टोनी। हेलो हेजल, मैं तुम्हें से मिलने आई हूँ। नाइस मीटिंग। माय प्लेजर। अरे यहीं खड़े रहोगे क्या? बैठो हेजल, चलो टोनी तुम भी। कम ऑन टोनी। कितनी तन स्कर्ट बना दी है। आज बहुत गर्मी है नहीं? हेजल, इस तरह मर्दों के सामने स्कर्ट ऊपर करके बैठना ठीक नहीं है, तुमने क्या समझे? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। टोनी, ये कुछ फलवल है, लो खाओ। नो थैंक यू आंटी, मुझे नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए? लाओ आंटी, मैं खिलाती हूँ। ये लो। अरे नहीं। अरे नहीं कहते? खाओ खाओ। तुम तो अभी कह रहे थे कि नहीं चाहिए। कोई इस तरह खिलाए तो ना कौन कर सकता है। खाओ ना। रुक क्यों गए? अरे बहुत है, खाओ। हेजल, तुम्हें बैठने में तकलीफ हो रही होगी। ओ नो आंटी, मैं तो बहुत आराम से बैठी हूँ। नहीं हेजल, ये कोई बैठने का तरीका नहीं है, चलो उठो। टोनी, तुम्हें देर हो रही है, तुम्हें नैंसी को बाहर जाना है। मैं भी चलती हूँ। हाँ हाँ, तुम भी चलो ना हमारे साथ। क्यों नैंसी? नहीं नहीं, मैं क्या करूंगी जाकर। अरे तुझे जाने दे तब ना, चल निकल जा, भाग सुरेल। हेजल नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती करते हो? चलो हेजल, मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ आती हूँ। मैं अभी आई नैंसी। बाय नैंसी। बाय। बाय टोनी, सी यू सून। बाय हेजल, नाइस मीटिंग यू। ये हेजल भी खूब लड़की है ना? तुम जानो, तुम ही काफी ध्यान दे रहे थे इसकी तरफ। कम ऑन नैंसी, आखिर तुम लोगों की मेहमान है, शराफत तो पेश आना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, हेजल को शराफत नहीं दिखाओगे तो क्या हम लोगों को दिखाओगे? तुम लोगों को? तुम लोगों से कौन सी बदतमीजी की है मैंने? मामा जब कुछ खाने को कहती है तो तुम्हें भूखी नहीं होती, हमें क्या मालूम तुम्हें गोद में बिठा कर खिलाना पड़ता है। कम ऑन नैंसी, हर बात की हद होती है। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, और मेरे ख्याल में अब तुम भी जा सकते हो। मेरे सर में दर्द हो रहा है। दवाई ला दूं या? कुछ नहीं, मुझे बस अकेला छोड़ दो, बहुत मेहरबानी होगी। तुम सचमुच यही चाहती हो? हाँ हाँ मैं यही चाहती हूँ, जा सकते हो तुम। ओके जाता हूँ, हेजल शायद बस स्टॉप पर ही मिल जाएगी। गुड नाइट। अरे क्या हुआ टोनी, चला गया क्या? हाँ। फिर वापस आ रहा है ना? मुझे नहीं मालूम, आए ना आए मेरी बला से। कहाँ जा, नीली जरी वाली ड्रेस पहन ले, लेकिन अपनी मम्मी की बात कभी सुनी थी? ओफो मम्मा, ठीक है मैं भी अच्छा मजा चखाऊंगी। टोनी क्या समझता है, बम्बई में एक वही लड़का है और कोई नहीं? अरे तो हर वक्त बाहर क्यों आ जाता है बजाते बजाते? मम्मी, मूड में कुछ ख्याल थोड़ी ही रहता, मैं काम बजा रहा हूँ। नैंसी। तुम्हारी मम्मी कह रही थी तुम्हारा कल टोनी से झगड़ा हो गया। हाँ। अरे कोई लड़की जानबूझकर किसी के गले पड़े तो बेचारा टोनी क्या करेगा? फिर वही बात अंकल, मेरा बस चले तो मैं टोनी की शक्ल भी कभी ना देखूं, सब बराबर हैं। फिर शुरू हो गया।
मॉर्निंग नैन्सी। गुड मॉर्निंग सनी। अरे सुनो टोनी, मरीन लाइंस पे उतर जाना, तुमसे कुछ जरूरी काम है। ओके। अंकल, अगर तुम मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। अरे भाई, कौन तुम्हारी हालत के पीछे पड़ा है? टोनी को मरीन लाइन स्टेशन उतरने की क्या जरूरत है? नैन्सी डार्लिंग, तुम्हारा झगड़ा टोनी से है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी दुनिया का झगड़ा टोनी से है। मेरा टोनी से अब कोई वास्ता नहीं। ओके ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये मेरा आखिरी फैसला है। चलो ये भी ठीक है, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, चाहे यहाँ रहो या कौन सा शहर है? फरुखाबाद। भाई टोनी, तुमसे जरूरी काम था इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया। कोई बात नहीं अंकल, मेरा 3 दिन का आज मेरी तरफ से। भाई नैन्सी को तो पूछो ये पिएगी या नहीं। क्यों, क्या बात है? नैन्सी का अब तुमसे कोई वास्ता नहीं। अंकल आप ही बताइए, कल मैं नैन्सी के यहाँ गया था तो वहां एक नागिन बैठी थी जिसने मुझे निकलने की कोशिश की और इसलिए नैन्सी मुझसे नाराज है। अब आप ही बताइए मैं क्या करता। बताओ टोनी क्या करता? अगर तुम हेजल को अपने घर बुलाओगी तो और क्या होगा? हेजल मेरी सहेली है बचपन की। भाई हेजल नागिन हुई तो क्या हुआ, नैन्सी की सहेली है बचपन की। ओ, मतलब उसे निगलने का पूरा अधिकार है। वैसे अंकल मेरे पास सैटरडे इवनिंग शो की 2 टिकटें अभी तक हैं। ऑफ कोर्स नैन्सी अगर न जाना चाहे तो दूसरी बात है। क्या यह ठीक होगा नैन्सी? क्या ठीक होगा नैन्सी? टोनी की तनख्वाह इतनी नहीं है, फिर भी खर्च करके वो तुम्हारे लिए सिनेमा की टिकटें ले आया और तुमसे खुद कह रहा सिनेमा जाने के। ऐसे वक्त पर न मानना। माने न माने की कोई बात ही नहीं है। ये तो सोचो नैन्सी। अरे बंद करो ये किताब। थैंक यू। ये तो सोचो नैन्सी, अगर तुम टोनी के साथ सिनेमा जाओगी तो हेजल को डींग मारने का मौका ही नहीं मिलेगा जो उसने टोनी को तुमसे छीन लिया। जो मेरा है ही नहीं उसे छीनने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है टोनी, टेढ़े फाड़ डालो। फाड़ने की क्या जरूरत है, बेची भी तो जा सकती है। एक बार खरीदने जाओ फिर बेचने जाओ। चले पे नमक। और नहीं तो क्या। अंकल ये टिकट नैन्सी को ही दे दीजिए, चाहे बेच दे चाहे फाड़ दे, नहीं तो अपने बचपन के सहेली के साथ देख लें सिनेमा। लो बेचारे टोनी की कमाई के पैसे यूं ही गए। टिकट्स टोनी को वापस दे दो। ये लो टोनी, रख लो टिकट्स। नैन्सी कह रही है वो शनिवार शाम को थिएटर पहुंच जाएगी। क्यों नैन्सी, ठीक है ना? कौन सा थिएटर है अंकल? मेट्रो 6 बजे। लेकिन अंकल जब सारी बातें आपको बीच में रखकर ही करनी पड़ रही हैं, मेरा ख्याल है आपके लिए भी एक एक्स्ट्रा टिकट खरीद लूं। पागलों जैसी बातें मत करो। चलो अंकल, तुम तो सचमुच ऐसे कह रहे हो जैसे हम लड़ पड़े हैं। चलो लेट्स गो। अंकल कभी कभी लगता है नैन्सी बहुत बेवकूफ है, अकल है ही नहीं। फिर कभी कभी लगता है कि नहीं ये बात नहीं, बहुत सीधी लड़की है। टोनी, अकल के मामले में सब औरतें बराबर होती हैं, समझे? चलो चलो। हाय नैन्सी। हेलो। दरवाजा खुला ही छोड़ दिया? अरे आज तो बहुत स्मार्ट लग रही है। थैंक यू नैन्सी। ये ड्रेस मेरे अंकल ने प्रेजेंट दी है। सेव अंकल। हाय आंटी। हेलो हेजल, अच्छी तो हो? बहुत अच्छी हूँ। बैठो बैठो। आज वो आने वाला है क्या? क्या नाम है उसका? टोनी। हाँ हाँ टोनी आ रहा है ना आज। कह नहीं सकती, आ भी सकता है, मिलता तो रहता है ना। टोनी ने कोई बात चलाई? मेरा मतलब है तू चाहती है ना उसे? टोनी और हम अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा किसी ने कुछ सोचा नहीं अब तक। दोस्ती से आगे बात कब बढ़ेगी। कैसी है नैन्सी? टोपेज है। ये तो अपने अपने पसंद है, मुझे नीलम के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मुझे तो टोपेज ही पसंद है, बड़े बड़े चमकते हुए जैसे मेरी अंगूठी है। मेरी शादी होने वाली है, कल ही तो दी है उसने मुझे। अरे हेजल मुबारक हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुबारक हो। लड़का कौन है? तू नहीं पहचानेगी, 1 महीना हुआ मुझे एक पार्टी में मिला था। कहता है मेरे जैसी कोई लड़की ही नहीं देखी उसने,
बहुत तेज है, फौरन शादी की बात छेड़ बैठा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन तू राजी हो गई? राजी ना होती तो क्या करती? कहता था राजी ना होंगी तो एरोप्लेन से कूद कर जान दे देगा। बेचारा। टोनी से जान पहचान हुए कितने दिन हुए तेरे? यही कोई 3 महीने 19 दिन। अब बात आगे बढ़ानी चाहिए नैंसी, कितने दिनों तक ऐसे चलाती रहेगी? सब कोई टोपाज की अंगूठी जैसे तेज थोड़ा ही है। अच्छा मैं चलती हूँ नैंसी, कहीं ज्यादा देर तक रुकने भी नहीं देता मुझे। चल मैं बस स्टॉप पर छोड़ूंगी। नहीं नैंसी, मैं गाड़ी में आई हूँ, उसी की गाड़ी है। बाय आंटी। बाय। गाड़ी थी मेरे की अंगूठी, कार कहाँ मिल गया ये हेजल को, और पैसे वाला भी है, जरूर कोई बूढ़ा होगा। जवान भी हो सकता है, हेजल देखने में बहुत उसे अच्छी है। हाँ अच्छी है, और तू भी क्या कुछ कम है? और तू क्या समझ रही है, वो अपनी मम्मी की खुशखबरी सुनाने आई थी? वो आई थी तुझे जताने, देख कैसे चुटकी में लड़का मिलता है, क्या मैं नहीं समझती? अरे तू रात भर यही बजाता रहेगा। नैंसी को लड़का नहीं मिलता तो मुझ पर क्यों बरस रही हो? मुझे लड़का मिले या ना मिले उससे तुझे क्या लेना देना, जा तू अपना काम कर। कहां मुसीबत में फंस गए। टोनी की नौकरी पक्की हुई या नहीं कि वो अभी तक 300 रुपए में पड़ा है? मुझे नहीं मालूम। हेलो रोजी। बहुत दिनों बाद आई हो। लेकिन मैं अभी चली जाऊंगी। वो तो मालूम है, दोपहर का खाना खाकर चली जाना। वो तो ठीक है। अच्छा खाने तक ठहरती हूँ, खाने के बाद चली जाऊंगी। हाँ हाँ चली जाना आंटी। और बताओ कैसी हो? बस ठीक ही हूँ। नैंसी के लिए कोई लड़का मिला? हाँ एक मिला है। अच्छा कैसा है लड़का? लड़का तो अच्छा है, मिलनसार, नेक, यहाँ आता भी है। कितने दिनों से पहचान है? 4 महीने होने को आए। ओह 4 महीना। हाँ? और अभी तक बात पक्की नहीं हुई? कहाँ हुई आंटी। रोजी 4 महीने हो गए, अभी तक लड़के की मंशा नहीं मालूम कर सकी कि शादी करेगा या नहीं करेगा। आंटी आजकल का जमाना कुछ और है, ये लोग कहते हैं 4 महीने कुछ भी नहीं है। ओहो मेरी समझ में कुछ नहीं आता, 4 महीने हो गए अभी तक लड़के ने शादी की बात भी नहीं छेड़ी, क्या जमाना आ गया है। हेलो फिलोमिना। हेलो आंटी कैसी हो? कब आई? मैं तो सवेरे से आई हूँ। अच्छा? बस जा ही रही थी, रोजी ने रोक लिया। अब कल सवेरे जरूर चली जाऊंगी, दोपहर के खाने के बाद। नहीं नहीं सुबह ही चली जाऊंगी। तुम भी क्या जल्दी है फिलोमिना, भेजा 2-4 दिन। हाँ। साबी यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ बजाओ बेटा, फिलोमिना आंटी सुनेगी। येलो रिबन। हाँ Tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years to you. अरे बंद क्यों किया? साथ में गाओ तो सही, भागी कहाँ जा रही हो? ठीक ही तो गा रही हूँ। बजाओ सभी बेटा बजाओ, आपकी बात तेरी मामी ठीक से गाए। हाँ बजाओ। Tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years to you. अरे फिर क्यों बंद किया? बजाना आता है कि नहीं? नहीं। देखो तो सही, नैंसी आ गई। हेलो दादी। अब तक कहाँ थी? शनिवार है, सोचा एक पिक्चर देख रहा हूँ। तेरे साथ कौन था? टोनी, वही लड़का जिसके बारे में मैं कह रही थी। मैं अभी आई दादी। अरे एक मिनट बैठ तो सही, बैठ यहाँ। अब उधर क्या देख रही है? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने सुना है तू टोनी के साथ 4 महीने से घूम फिर रही है। हाँ दादी मैं टोनी को 3-1 महीने से पहचानती हूँ। ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या चलता रहेगा? आंटी पूछ रही है इतने दिन हुए शादी के बाद क्यों नहीं कर रहा। मुझे तो शादी के बाद करने की इजाजत ही नहीं है। तुम इन लोगों के मामले में क्या कहो? ओहो टॉम, रोजी नैंसी की माँ नहीं है क्या? मामा सिर्फ 3 ही तो महीने हुए हैं, अब तक शादी के बारे में सोचा ही नहीं। क्या शादी के बारे में सोचा ही नहीं? तो 4 महीने से क्या कर रही थी? वो लड़का भी अजीब है,
तेरा क्यों वक्त बर्बाद कर रहा है? वो क्यों मेरा वक्त बर्बाद करने लगा? मुझे टोनी अच्छा लगता है, इसलिए हम मिलते रहते हैं। अरे कम से कम इतना तो पूछ लिया होता, क्या काम करता है, कितनी तनख्वाह है, बाल बच्चों की जिम्मेदारी संभाल सकेगा या नहीं? सुनो दादी प्लीज, ये सब तो शादी के बाद पक्की होने पर ही जानने की जरूरत पड़ती है, पहले कौन पूछता है ये सब? इस मामले में हमारी नैन्सी बहुत ही कमजोर है, ये इसके बस की बात नहीं है। एक बार मैं फिर कह देती हूँ, बुरा नहीं मानना, मैंने दुनिया देखी है, वो लड़का कभी भी नैन्सी के साथ शादी नहीं करेगा, समझ गई? देखो जब तक लड़कों से सख्ती के साथ पेश नहीं आओगी, लड़के तो यूं ही भागते फिरेंगे, और फिर हमारी नैन्सी जैसी, भला बताओ तो, वो लड़का 4 महीने से यूं ही नैन्सी के साथ घूम फिर रहा। मेरी राय मानो तो उस लड़के को तो भूल ही जाओ। नैन्सी की शादी के लिए अपने पादरी से बात करो, या तो अखबार में इश्तिहार दे दो, या किसी शादी के दलाल से बात करो। शादी का दलाल, अखबार में इश्तिहार, दादी तुम तो ओहो, तो फिर इसमें नुकसान क्या है? मेरी भी शादी एक दलाल के जरिए से हुई थी। जाओ नैन्सी, देर से आई हो, हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो, और फिलोमिना आंटी को गुड बाय कर लो, ये कल सुबह शायद जल्दी चली जाएगी। गुड बाय दादी, फिर आना जल्दी। गुड नाइट। गुड नाइट फॉक्स। चलो मारिया, चलो। हमारी एक रिश्तेदार है, मामा की फूफी, परसों गांव में रहती है, कभी कभी आ जाया करती है, कहती है अभी चले जाऊंगी, लेकिन 2-3 दिन रहकर ही जाती है। प्लीज डोंट मूव। कल वो मेरे पीछे पड़ गई, कहती है 4-4 महीने हो गए अभी तक शादी नहीं हुई। तो फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, कह दिया अभी तक इस मामले में हमने कुछ सोचा ही नहीं। तुम्हारी दादी तो फिर बिगड़ गई होगी। हाँ, बिगड़ने दो, हमें क्या, जो कुछ भी करना है वो हम फैसला करेंगे, वो क्यों बीच में आ रही है? हाँ ये बात भी ठीक है। हमारे यहाँ का हाल कुछ और ही है, इसीलिए तो आज तक मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले गया, कहीं मम्मी को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ घूम फिर रहा हूँ तो बस घर में तूफान खड़ा कर देगी। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे अकल नहीं है, और जो कुछ भी करना है मेरी मम्मी मेरे लिए तय करेगी। और अगर मामा को पता चल गया तो? तो, हाँ? तो मैं कहूंगा क्या बात कर रही हो तुम मम्मी, मैं और लड़की, तुमने गलत सुना होगा, मैं तो अभी शादी के बारे में सोच ही नहीं सकता। और तुम्हारे डैडी? नहीं, डैडी की बात तो अलग है, वो समझदार हैं, मुझे कभी कुछ भी जरूरत पड़ती है ना, मैं उन्हीं की मदद लेता हूँ। काश मेरे भी डैडी होते। चलो तुम्हारी वो मजेदार रिश्तेदार आई है ना, उनसे मिल लेते हैं। लेकिन दादी तो सुबह ही चली गई होंगी। चलो तो सही। जाती हूँ रोजी, देखते देखते 2 दिन गुजर गए। 2 दिन रही, कुछ मन का बोझ तो हल्का हो गया। फिर कब आओगी? जल्दी ही आऊंगी, तेरी नैन्सी ने फिकर में डाल दिया। ओ, हेलो आंटी। अरे टोनी, यही अपनी नैन्सी का टोनी है। हाँ आंटी हाँ, ये हमारी फिलोमिना फूफी है। हेलो। आओ आओ। दादी तुम तो सुबह जाने वाली थी, आओ टोनी। आपके बारे में आज ही नैन्सी कह रही थी। मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रही हूँ। बैठो ना थोड़ी देर फिलोमिना आंटी, टोनी आया है, कॉफी पीती जाओ। हाँ दादी बैठिए ना थोड़ी देर। हाय। आ सैविया, अच्छा हुआ तू आ गया। कहाँ जा रही हो दादी? बस 2 दिन हो गए जा रही हूँ। बैठो बैठो, 2 दिन और सही। आज मैं तुम्हें कुछ बजाकर सुनाता हूँ दादी। हाँ। परसों कह रही थी। हाँ, ना हाँ सैवी, तुमने मुझे भी कुछ नहीं सुनाया आज। अभी लो। एक काम कर सैवी, तू बजा मैं गाती हूँ। हाँ? ओ नो मम्मी, दादी तुम जाओ मैं जाता हूँ। अरे वाह, मुझे ठहरने के लिए कहा, आपको अंदर जा रहा है। दादी डार्लिंग, तुम्हें छोड़कर कौन जा सकता है। बैठो मैं बजाता हूँ। अच्छा तूने भी कोई लड़की देख रखी है क्या? हाँ दादी देख रहा हूँ, मिल नहीं रही है। बात यह है दादी कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मुझसे काफी लंबी हो। ये क्या बकबक कर रहा है? हाँ दादी, मर्द को हमेशा अपने से लंबी औरत से शादी करनी चाहिए। क्यों? अगर औरत लंबी होगी तो अपनी नजरें नीची करके बातें करेगी, और मर्द गर्दन ऊंची करके जवाब देगा। जब देखो मजाक करता रहता। चल बजा। उठ सबके कदम देखो डम पम पम। उठ सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तरा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठ सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो,
कभी खुशी कभी गम तररम पम पम हंसो और हंसाया करो। प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम है वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तुम मुझे रे हमदम शबनम हमगे और तू शोला बन जाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम हंस और हंसाया करो। किसे है फिकर किसे क्या पसंद प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम हम बन गए हैं सनम बेधड़क मेरे घर आया करो। कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंस और हंसाया करो। La 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 la. बजाता तो है ही, अच्छा गाता भी है। अच्छा रोजी, मैं चलूं। जाते ही पहुंचने की खबर देना दादी, नहीं तो फिकर लगी रहती है। फिकर तो मुझे भी लगी रहती है। क्यों? हमारी आंटी कहती है कि जब जान पहचान हो जाए शादी जल्दी होनी चाहिए। ओफो मामा, फिर वही। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई दादी। हाँ हाँ, तुम तो खुश हो गए ही। मैं चलती हूँ। अच्छा रोजी। बाय दादी। बाय बेटा। बाय दादी। देखो जैसा मैंने बताया है वैसा ही करना। तुम खुद जाकर टोनी के डैडी मम्मी से मिल लो। हाँ आंटी, मैं टोनी से बात करती हूँ अभी। हाँ, आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं। कह रही थी क्या होगा मेरे घर आकर, लेकिन तुम्हारी जिद। तो क्या हुआ नैंसी? अब चलो पिक्चर नहीं जाना। अरे तुम्हारी मम्मी को तो आने दो, और कॉफी नहीं पिलाओगी? कॉफी बाहर जाकर ही पी लेंगे। अरे कॉफी नहीं बनाई? टोनी कह रहा है हम बाहर ही पी लेंगे। चलो टोनी। मामा हम पिक्चर जा रहे हैं। अरे बैठो नैंसी, जल्दी क्या है, अभी तो बहुत टाइम है। बैठो नैंसी। टोनी तुम्हारी मम्मी कैसी है? ठीक है, थैंक यू। एक बार मिलना चाहती हूँ तुम्हारी मम्मी से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो नैंसी, कहीं देर ना हो जाए। बाय आंटी, फिर मिलेंगे। जरूर। आज शाम को क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, घर ही रहूंगा। फिर चलो। सिल्वी ने दो टिकट भेजी हैं। सुना है फिल्म बहुत अच्छी है। देखो अच्छी फिल्मों की टिकटें कोई नहीं बांटा फिरता है। अरे चलो ना, कौन सा पैसा खर्च करना है हमें? भाई मैं खुद क्लब नहीं जा रहा हूँ, थक गया हूँ। देखो तुम टोनी को ले जाओ। हाँ मैं जब भी कुछ कहो तुम फौरन थक जाते हो। टोनी, टोनी डार्लिंग। नहीं नहीं मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम। अरे सुन तो सही, एक फिल्म देखने चलेंगे। सुना है फिल्म बहुत अच्छी है। कौन सी फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म है, सिल्वी ने टिकट भेजी है, महमूद है उसमें। हाँ वो तो मैंने देखी है, तुम डैडी के संग चले जाओ। बहुत मजेदार फिल्म है, महमूद खूब हंसाता है। ओ मम्मी तो तुम जाओ ना, डैडी के साथ जाओ। हूँ वैसे भी तुम दोनों बहुत दिनों से इकट्ठे हंसे नहीं।
तू जा कहाँ रहा है? मैं भी तो सुनो, अपनी मम्मी के साथ जाने में तुझे शर्म आती है क्या? Come on, मम्मी. मम्मी क्या सिर्फ कपड़ा धोने के लिए, खाना पकाने के लिए और तुम दोनों की गुलामी करने के लिए है? No, look, मम्मी. मैं कुछ भी कहूँ तो बस तुम दोनों के ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है. मैं तुम्हें क्या बनाना चाहती हूँ, मेरा कोई शौहर नहीं है. मैं तुम्हें क्या बनाना चाहती हूँ, मेरा कोई शौहर नहीं है. मैं कुमारी हूँ. वंडरफुल, ये घुटने देगा और ये प्रपोज किया. अरे मैडम जल्दी जाके बैठिए ना, अंधेरे में इससे जल्दी कैसे जाएगा कोई. ओह मम्मी प्लीज, अकल से काम लो. अकल से नहीं, दिलों से काम लो. रूबी 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 इतना हंसाता है? अब तो बहुत कुछ है, सारी फिल्म में हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते हैं. आपने देखी है फिल्म? हाँ, तीसरी बार देख रही हूँ. बातचीत बंद कीजिए. चुपचाप पिक्चर देखो ना, क्यों दूसरों को डिस्टर्ब करती हो? तू देखना चुपचाप, तुझसे कौन बातें कर रहा है? ये लड़की भी बहुत अच्छा काम करती है. हाँ नहीं है, मेरा लड़का पहचानता है उसे, यही खाद में रहती है. अच्छा. उसकी मम्मी मेरी यहाँ आई थी एक बार, खाद बाजार में हमेशा मिलती है मुझे. खाद बाजार तो बहुत महंगा है, कुछ भी खरीदो दुगने दाम. नहीं नहीं, मैं जानती हूँ दो तीन दुकानें, मुझे तो हमेशा ठीक दाम से देते हैं. ये लो. ओ, मैं तो सिनेमा शुरू होने से पहले हमेशा खरीद लेती हूँ, मुझे तो बहुत भूख लगती है सिनेमा में. लगता है इन औरतों का हाजमा काफी अच्छा है, जो भी खाती है हजम हो जाता है. कौन सी चक्की का आटा खाती है आप? लो बताओ, मैं तो आ नहीं रही थी, दो बार देख ली थी, फिर मैंने कहा चलो घर बैठे क्या करेंगे. टोनी बिल्कुल आप पर गया है, वही नाक वही आंखें. यहाँ टोनी आपके संग है, कहीं बाजार में मिल जाते तो मैं फौरन पहचान लेती आप टोनी की मम्मी है. कितने दिनों से टोनी से कह रही हूँ, चल टोनी अपने लोगों से पहचान करा दे, ब्याह कभी भी खाने पर ये तो हम चले आते तुम्हारे यहाँ. क्यों टोनी, कहा था ना मैंने तुमसे. मम्मी आप हैं मिसेस परेरा, ये उनकी लड़की नैंसी, ये उसका छोटा भाई सारी, मेरी मम्मी. हेलो आंटी. बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, मैंने कितनी बार पूछा कैसी है तुम्हारी मम्मी, लेकिन इतनी अच्छी निकली टोनी की मम्मी. ऐसी कोई बात नहीं है मिसेस परेरा, मैंने कई बार कहा टोनी तुम हमारी नैंसी को अपने मम्मी डैडी से क्यों नहीं मुलाकात कराते. एक माँ को इतना जानने का हक है कि उसका बेटा किस लड़की के साथ शादी की बात सोच रहा है ना मिसेस परेरा. मैंने कहा तुम्हें क्या शर्म आती है नैंसी को अपने मम्मी डैडी से मिलाते. क्यों टोनी, मैंने कहा था ना तुमसे, हमारी नैंसी जैसी भी है सबों के सामने, हमें क्या छुपाना है, हम तो यही जानते हैं, हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं. कितने लड़के चाहते हैं नैंसी से शादी करना, लेकिन मैंने साफ कह दिया इसको, तू टोनी से शादी करना चाहती है टोनी से कर, हम माँ बाप है, जो बेटी चाहेगी वही करेगी. मामा मुझे कुछ ज्यादा ही चाहती है. इसके बाद मत सुनो मिसेस ब्रिगेंजा, ये तो हमेशा ऐसे ही है. ये 420 जीनी का कमरा और ये 302 तुम्हारा, ये देखो. वाह, वो देखो वो दाढ़ी है ना, इसी से लड़के को आइडिया आएगा साधु बनने का. उधर लड़की लड़के को पहचानेगी नहीं, समझेगी कोई साधु है. रहने दीजिए, मैं देख ही रही हूँ क्या हो रहा है. अरे अरे क्यों रोक रही हैं आप इन्हें, मुझे पहले मालूम होता तो इनके पास जाकर मैं खुद ही कहानी सुन लेता, यहाँ आकर पैसे तो बर्बाद न करता.
और जब साधु दाढ़ी निकाल लेता है और लड़की पहचान लेती है वरना मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम कुछ गलत बताया मैंने? तुम बस चुप रहो, हजार बार कहे ज्यादा मत बोला करो। मैं मर भी मर जाऊंगी, एक ही कमरे में रात गुजारूंगी। अब हमें अजनबी ऐसी खबर मिलेगी कि हमारा बेटा कहाँ और क्या कर रहा है। ये कोई वक्त है ये सब पूछने का? कितने दिनों से चल रहा है ये सब? प्लीज मम्मी, बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त तो चुप रहो। मैं अब घर जा रही हूँ। प्लीज मम्मी, तुम बैठो यहाँ, मजे उड़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। ये लोग क्या सोचेंगे मम्मी? हाँ हाँ, तुम्हें तो एनी की लगी हुई है ना? Wow, what a beautiful car. Johnny, ये मेरी बेटी छोड़ के बाकी नानी चाची दादी। जरूर तबीयत खराब हो गई होगी टोनी की मम्मी की, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, तुम यही बैठो। मम्मी प्लीज, एक दिन तो सब बता ही देता मैं, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? मैं क्या कोई बच्चा हूँ? बच्चा हूँ? ऐसा क्या अकलमंदी का काम किया है तुमने? देखिए तुम्हारे प्यार का नमूना। मम्मी प्लीज, नैन्सी बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, तो सब कुछ पक्का भी कर चुके हो? अपने मम्मी और डैडी को बताने की कोई जरूरत नहीं है? अपनी शादी में तो हमें बुलाओगे या उसकी भी कोई जरूरत नहीं है? ओहो मम्मी, हर चीज की हद होती है। अच्छा ठीक है, चलो घर चलो। अरे फिल्म अच्छी नहीं थी क्या? जल्दी आ गए। वहाँ तो फिल्म से भी अच्छी चीज थी, वहाँ पर हमें हमारे टोनी की होने वाली बहू और सास से मुलाकात करने का मौका मिला। अच्छा, कैसी है हमारी बहू? और तुमसे नहीं कहा हजार बार, मम्मा ज्यादा मत बोला करो, ज्यादा मत बोला करो, लेकिन नहीं, जबान रुकती ही नहीं। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो उठकर चली गई? क्या जरूरत थी उसे इतनी बातें करने की? वो तो तुमसे कुछ नहीं कह रही थी। अरे वाह, टोनी की मम्मी है और वो भी पहली बार मिली है, उससे बातें नहीं करूंगी तो क्या तुमसे करूंगी? मम्मी ठीक कह रही है, तुम्हें किसी से बातें करने की जरूरत नहीं। टोनी की मम्मी होगी तो अपने घर पर, और हमारा अपमान करते चले जाना कहाँ की शराफत है। पता नहीं क्यों चली गई, मैंने तो जो कुछ कहा है तेरी भलाई के लिए कहा। मम्मा प्लीज, तुम मेरी भलाई करना छोड़ दो। मम्मी नैन्सी ठीक कह रही है। तू चुप भी रहेगा क्या? तू कल जब टोनी से मिलेगी तो। मैं नहीं मिलती उसे। पूछ तो ले एक बार क्या बात हो गई। मैं किसी कुछ नहीं पूछती। ये कोई खानदान है? गले पड़कर अपनी लड़की को हमारे मत्थे मर रही है। मालूम है लड़का बेवकूफ है, फंसा लो इसे। मैं बेवकूफ हूँ? बेवकूफ नहीं तो और क्या हो? कोई ऐसे खानदान से मिलजुल बढ़ाता है? मान न मान, मैं तेरा मेहमान, सारा वक्त बस बर्बाद बर्बाद बर्बाद। नहीं मम्मी, बातें जरूर ज्यादा करती है लेकिन अब... क्यों करती है बातें ज्यादा है? क्यों करती है, ये भी कभी सोचा है? इसमें सोचने की क्या बात है? है, यही तो तुम्हें नहीं मालूम। पेट में थोड़ी भी तालीम होती तो चुपचाप रहती। ऐसे खानदान से मिलजुल बढ़ाया जा रहा है और वो भी चोरी छुपे। अरे तुम्हें शादी करनी है तो हमसे कहो, एक से एक अच्छी लड़कियों की लाइन लगवा देंगे। लेकिन मैंने कब कहा मुझे शादी करनी है? तो फिर वहाँ क्यों जाता है उस लड़की से मिलने? अरे वाह, जान पहचान है, जाते हैं। क्यों जान पहचान है, क्यों और एक शादी शादी बड़बड़ा रही है? मुझे क्या मालूम? तो खानदान हो, कोई अच्छा घरबार हो, कुछ तमीज हो। नाउ जस्ट अ मिनट, उस घर में ऐसी कोई कमी नहीं है मम्मी। उस घर का नाम मत लेना मेरे सामने कभी। ओहो मम्मी, मैं तो तंग आ गया। हाँ हाँ, तुम तो तंग आओगे ही, तुम्हारे भले की जो सोच रहे हैं हम। ओ मम्मी प्लीज, फॉर गॉड से मेरे भले की मुझे सोचने दो, तुम परेशान ना हो। गलती तुम्हारी मम्मी की है और तुम ही मुंह मोड़ रही हो। नहीं बात करना तो मत करो, यहाँ कौन परवाह करता है। अच्छा, खुद बदतमीजी करके सिनेमा हॉल से चले गए और यहाँ ऐड दिखा रहे हो? नहीं देखना है तो ना देखो, यहाँ तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। जाना मिल ले एक बार,
मिलने में क्या हर्ज है? नहीं, आखिर क्यों? गलती उसकी है और उसके मामा की, हम क्यों जाएं उनकी खुशामद करने? अच्छा बेटा ठीक है, तुम मत जाओ, मैं बात कर लेता हूँ। नहीं अंकल, मैं कह देती हूँ बहुत बुरा होगा। नाराज नहीं होते नैन्सी, आखिर कुछ रास्ता भी तो निकालना चाहिए बेटी। रास्ता है, हम दोनों समझेंगे कि कोई किसी को नहीं जानता। लेकिन ट्रेन में तो जरूर मुलाकात होगी। नहीं होगी, मैं कल से 9:10 की गाड़ी से ही नहीं जाऊंगी। गुड मॉर्निंग नैन्सी। गुड मॉर्निंग। आज अकेले जा रही हो? हाँ। मैं पहुंचा दूं स्टेशन तक? नहीं, मैं चली जाऊंगी। प्लीज नैन्सी, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नो इट्स ऑल राइट, मैं चली जाऊंगी। अच्छा हेनरी, मैं जाती हूँ। तुम्हें अब लोकल ट्रेन से सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अभी तो 10 दिन बाकी होंगे पास के, हार क्यों दिया? तुम्हारा पास है क्या? चुप रहो, तुम बस से जाया करो, अब तो तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ गई है। और कुछ पैसा चाहिए तो मुझसे ले लेना, उस लड़की से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। दिलो 20 रुपए, दूसरा पाल बनवा लेना। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल तिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेजल। हेलो आंटी। हेलो नैन्सी। हेलो। अरे हेजल, इतनी सुबह सुबह? अरे सुबह ना आती तो नैन्सी निकलना चाहती। अरे बैठ, तू भी कुछ खा ले। अपनी गाड़ी से आई है? नहीं नहीं नहीं, मेरी शादी होने वाली है 28 तारीख को। अच्छा, जरूर आना।
कॉन्ग्रेचुलेशन. हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आएंगे. वो टोपैस की अंगूठी वाली लड़के से? हाँ टोपैस की अंगूठी, वो तो नकली कांच की अंगूठी थी, मैंने वापस कर दी. मेरी शादी एक दूसरे लड़के के साथ हो रही है, वो जुली है ना उसके भाई से. वो तो सुना दुबई में कुछ कर रहा है. हाँ, वही एक महीने की छुट्टी पर आया है. 8 दिन पहले मुलाकात हुई उससे, 28 को शादी है. तो बहुत किस्मत वाली है हेज़ल. टोनी से तो मिलती होगी, ये कार्ड दे देगी उसे? मैंने अपनी लोकल ट्रेन का वक्त बदल दिया है, मैं नहीं मिलती उसे अब. अरे कहीं तो मिलती होगी उसे. टोनी अब यहाँ नहीं आता. क्यों? नैंसी टोनी से नहीं मिलना चाहती. क्यों, क्या हुआ? तो क्या टोनी के बारे में पूछने आई है? क्यों, बुराई क्या है? सैबी तेरा हो गया तो जा यहाँ से. नहीं जाता. खैर मुझे उसके घर का पता ही दे दो, मैं चिट्ठी लिख दूंगी. हमें तो उसके घर का पता भी नहीं मालूम. अरे उसके घर का पता नहीं मालूम? कभी गई नहीं उसके घर? कभी ले जाए तब ना, 4 महीने से बस यही आता रहा हमेशा. कितनी बार मैंने नैन्सी से कहा जा, जाकर पूछ. मामा क्या फायदा ये सब दोहराने से? मुझे तो लगता है टोनी शादी करना ही नहीं चाहता था, तभी तो अपने घर का पता भी नहीं बताया. ये लड़के सब ऐसे ही होते हैं. मैं तो पहले ही पूछ लेती हूँ, शादी करनी हो तो आगे बात कर वरना फूट. आओ बैठो. लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं ठहरूंगी. हाँ आज बिरयानी बनाई है, खाकर जाना. अच्छा अच्छा. अरे हाँ तेरी नैन्सी का क्या हाल है? क्या बताऊँ, वो लड़का अब नैन्सी से नहीं मिलता. मैं रसोई से होकर आती हूँ. अरे बैठ इधर, मैंने तुझसे क्या कहा था? मुझे तो पक्का मालूम हो गया था कि वो लड़का नैन्सी का वक्त बर्बाद कर रहा है, इसीलिए तो मैं आई हूँ तेरे पास. क्या बात है आंटी? वो फर्नांडिस है ना, अपना पड़ोसी, उसकी बहन का एक लड़का है, यही बंबई में काम करता है और गोवा में उसका बहुत बड़ा मकान है. अच्छा? मैंने फर्नांडिस से कह दिया है अपनी बहन के साथ उस लड़के को लेकर तेरे यहाँ इतवार को आ जाए, और तू भी नैन्सी को मना कर देना उस दिनों कहीं नहीं जाए. और तू कहे तो मैं उन्हें खाने पर बुला लूँ. एक बार टॉम भैया से पूछ लेती तो. टॉम भैया से पूछने की क्या जरूरत है, जानती है लड़के की तनख्वाह कितनी है? नहीं. 1200 रुपया महीना. अच्छा? हाँ. और लड़के को मैंने देखा है, बहुत ही अच्छा है. तब वो 12 साल का था. अरे हाँ तूने क्या कहा, बिरयानी बनाई है? आज काम पर नहीं जाएगा? नहीं मम्मी. ठीक है, घर पर ही रह. वैसे भी तो आज शनिवार है, आधा दिन छुट्टी है. कुछ खाएगा? अरे पर कुछ खाता क्यों नहीं है? तबीयत नहीं कर रही. टोनी चल मेरे साथ बाहर चर्च तक, कुछ काम है. क्या काम है यही बताइए ना. अरे यहां कहीं तुम्हारी मम्मी सुन न ले. चल मेरे साथ बाहर, जरूरी बातें करनी है. चल कपड़े बदल ले. अच्छा टोनी एक बात बता, सच सच बता, जिस दिन मम्मी ने उस लड़की को सिनेमा में देखा और तुम दोनों चले आए, उसके बाद उस लड़की से फिर कभी मिले? नहीं. क्यों, तुमने अपना इरादा बदल दिया है क्या? यह सब पूछने की जरूरत ही क्या है? फिर भी टोनी मैं पूछ रहा हूं, कह देने में हर्ज क्या है? इरादा तो नहीं बदला, लेकिन मम्मी की वजह से हो या जो कुछ भी, बेवकूफ. तुम समझते हो तुम्हारे न मिलने से बात खत्म हो जाएगी? पहाड़ से गिरने वाले पत्थर को ऊपर ही रोका जा सकता है, बीच रास्ते में नहीं. मैं अगर उससे कोई संबंध न रखना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है? नहीं डैड, मैं तंग आ चुका हूं. किससे तंग आ गए हो? अपनी मम्मी से, उसकी मम्मी से, अपने आप से. आखिर मम्मी मुझसे चाहती क्या है? मम्मी क्या चाहती है तुम्हें नहीं मालूम? वो चाहती है तुम हमेशा छोटे बच्चे बने रहो. लेकिन मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं. नहीं हो तो मर्दों जैसा काम क्यों नहीं करते? आप चाहते क्या है मुझसे? देखो बेटा, मैं क्या चाहता हूं या तुम्हारी मम्मी क्या चाहती है या लड़की की मम्मी क्या चाहती है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए.
तुम क्या करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो इसका फैसला तुम्हें करना होगा। उस लड़की को क्या नाम है उसका? नैन्सी। हाँ नैन्सी, उसे कह देना जरूरी है। वो क्या करे, तुम्हारा इंतजार करे या तुम्हें भूल जाए? ये मैं क्या बताऊं डैड? तुम नहीं बताओगे तो और कौन बताएगा? तुम्हारा बाप? प्यार तुमने किया है? हाँ प्यार तो करता हूँ, लेकिन सवाल शादी का है। शादी के बाद? अरे प्यार क्या ऐसे ही होता है, शादी नहीं करोगे उससे? नहीं डैड, शादी के बाद मैंने सोची ही नहीं। फिर तुम लड़के से प्यार व्यार कुछ नहीं करते? नहीं डैड, नहीं ये बात नहीं। मैं शायद आज भी नैन्सी से प्यार करता हूँ। शायद? ओके ओके, शायद मैं सच कुछ प्यार करता हूँ। फिर झिझक किस बात की है? नहीं डैड, बात यह है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम लोग घूमें फिरे, हमारा मेल जोल बढ़ता रहे, बस और कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता टोनी, ऐसा नहीं होता। कम से कम एक अच्छी शरीफ लड़की के साथ नहीं होता। लड़की हमेशा चाहेगी कि वो शादी करे, घरबार बसाए। अगर सचमुच तुम्हारी तबीयत शादी करने की नहीं है तो लड़की से साफ साफ कह दो। लेकिन नैन्सी को तो मालूम है कि शादी के बारे में मेरे क्या विचार हैं। तुम्हारे विचार उसे मालूम है, लेकिन लड़की के क्या विचार है ये भी तुम्हें मालूम है? कभी तुमने उसे पूछा नैन्सी तुम क्या चाहती? ठीक है, जो तबीयत आए करो, अगर शादी नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन तुम मर्द हो ना, एक मर्द की तरह उसे साफ साफ कह दो कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहते। वो चाहे तो कहीं और शादी कर सकती है। मैं नहीं चाहता मेरा लड़का किसी भी लड़के की जिंदगी खराब करे। ठीक है डैड, कल इतवार है, सोमवार को बता दूंगा। कल वल नहीं, आज ही अभी उसके ऑफिस में टेलीफोन करो। ऑफिस का नंबर मुझे नहीं मालूम। उसका नंबर है 262628। आपको कैसे मालूम? कैसे भी मालूम हो, तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। 262628। हेलो 262628, मिस नैन्सी परेरा से बात कर सकता हूँ? ओके हेलो नैन्सी, गुड मॉर्निंग, मैं टोनी बोल रहा हूँ। क्या बात है? हेलो नैन्सी, आज तो शनिवार है, आधी छुट्टी होगी, मैं आज तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं नहीं आ सकती, मुझे कहीं जाना है। नहीं ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 10 मिनट। नहीं टेलीफोन पे नहीं कह सकता मैं, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे नैन्सी। ठीक है 4 बजे। हाँ हाँ पहले हम जहाँ मिलते थे। ओके नैन्सी, तुम एक अच्छी लड़की और मैं तुम्हें चाहता था, I like, लेकिन ये जल्दबाजी मुझे अच्छी नहीं। लेकिन मैंने तो कोई जल्दबाजी करने को नहीं कहा। नहीं नैन्सी, तुमने कभी नहीं कहा, मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारे कहने न कहने से क्या होता है, तुम्हारी मम्मी जिस तरह डंडा लेके मेरे पीछे पड़ी रहती है ना। नहीं डोंट मिसअंडरस्टैंड, तुम्हारी मम्मी के मैं कोई खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनकी जो आदत है ना, मुझे देखते ही उनके अंदर शादी का बैंड बजने लगता है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे जबरदस्ती कोई कुछ भी नहीं करा सकता, शादी की तो बात ही छोड़। और दरअसल मैं अभी इस झमेले में पड़ना भी नहीं चाहता। नहीं जो नहीं, ऐसा मत कहो। कहीं जा रहा है क्या? हाँ मैम। तो कह रहा था कहीं भी नहीं जाएगा, कहाँ जा रहा है? नैन्सी से मिलने। क्या? हाँ मम्मी नैन्सी से मिलने। तो मैं भी चलूंगी तेरे साथ। कम ऑन मम्मी प्लीज, तुम मेरे मामले में और न बोलो, अपना काम मैं खुद संभालूं। डैडी ने तुझे बाहर ले जाकर यही समझाया है क्या? ये मैं कह रहा हूँ मम्मी, डैडी नहीं। क्या कहेगा नैन्सी से? यही कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, उसे जल्दी हो तो कहीं और कर सकते। यही कहना ठीक है, और जल्दी वापस घर आना। हाँ
आंटी, इस पहली तारीख से मुझे तरक्की मिली है। अच्छा। और एमडी साहब ने कहा कि अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो। अब कितनी तनख्वाह हो गई तुम्हारी? 550। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा देखो, एक काम कर, मैं अब भी आया। हेलो आंटी, दो नए मेहमान लाई हूँ साथ में। नैन्सी है ना घर में? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन आज मैं अभी चली जाऊंगी। हाँ तुम तो आंटी कल आने वाली थी, इस बार को क्या? हाँ वो तो आऊंगी। मैंने सोचा आज हेलिस को बता दूं। वो मैंने तुम्हें लड़का बताया नहीं था, फ्रांसिस। तो ये फ्रांसिस की दादी हैं और ये फ्रांसिस की मौसी हैं। ये मेरे पास पड़ोस में ही रहती है, नैन्सी को देखने के लिए आई है। ये हमारी एलिस है ना। हाँ। फ्रांसिस को बहुत ही चाहती है, अपना वारिस भी उसे बना लिया है। मुझसे पूछने लगी लड़की देखने में कैसी है। मैंने कहा पूछती क्या है, चल मेरे साथ, मैं दिखा देती हूँ। अरे हाँ, नैन्सी कहाँ है? नैन्सी, ये रही हमारी नैन्सी। आओ बेटी आओ। हेलो दादी। हेलो दादी, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे जल्दी है। अरे बाद में चले जाना, मेहमान आए हैं। बैठ थोड़ी देर, मैं चाय बनाती हूँ। अरे चाय की जरूरत नहीं है, तू बैठ यहाँ। बैठो बेटी। अब खड़ी क्यों है? यहाँ बैठो नैन्सी। तुम वहीं बैठ जाओ। नैन्सी आए इधर आना, बैठ जाए यहाँ पर। हाँ अब देख लो बहू को कैसी रहेगी फ्रांसिस। अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। मैं जाता हूँ आंटी। शर्मा गई। बाहर कुछ काम होगा, अभी आ जाएगी। रोजी तू एक काम कर, कल इतवार है ना, चर्च पर फ्रांसिस और उसके डैडी को लेके आती। क्यों? ठीक है ना। हेनरी, हेनरी चले क्यों आए? क्या बात है हेनरी? हेनरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नैन्सी। हेनरी, मुझे मालूम है हेनरी, लेकिन तुम जब चाहो अपना फैसला करना नैन्सी, मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं जाती हूँ हेनरी, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है। सुनो नैन्सी, सुनो नैन्सी। हेलो नैन्सी। हेलो टोनी, सॉरी मुझे थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मुझे तुमसे दो एक जरूरी बातें करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जस्ट अ मिनट नैन्सी, तुम कुछ कहो इससे पहले। नहीं टोनी, पहले मुझे कह लेने दो। मैंने आते आते ही फैसला कर लिया है कि मैंने भी ये फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे आज ये कहकर ही रहूंगा। मैंने भी फैसला कर लिया है कि जो होना था हो चुका, मैं आइंदा तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मैं आइंदा तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मैं तो कहने आया था कि अभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन मिलेंगे क्यों नहीं? नहीं नहीं नैन्सी, ये कुछ दिन तुमसे न मिलके मुझ पे जो गुजरी है वो तुम मुझसे नहीं मिलोगी। देखो तुम, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरी मामा पसंद नहीं, लेकिन जैसी भी है वो मेरी मामा है। शायद थोड़ी ना समझ है, लेकिन वो जो कुछ भी करती है मेरी भलाई के लिए करती है ना। लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी को मुझसे मजबूरन शादी करनी पड़े। नैन्सी, तुमसे कोई मजबूर होके क्यों शादी करने लगा? तुमसे तो जो भी शादी करेगा बहुत भाग्यवान होगा। थैंक यू टोनी,
मुझे जो कहना था कह दिया, हम अब और नहीं मिलेंगे। नैंसी, कम ऑन नैंसी, मेरी तरफ देखो। मुझे कोई मजबूर नहीं कर रहा नैंसी, और तुम्हारी मम्मी क्या चाहती है यह भी मैं जानता हूं। मेरे यहां भी एक मम्मी है, और मजे की बात यह है कि यह सब हमारी भलाई चाहते हैं। लेकिन लेकिन इनके कहने सुनने से तो... टोनी सुनो नैंसी, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं, काफी बड़ा हूं, और मेरी नौकरी भी अब पक्की हो गई है। और यकीन करो, तुम्हारी मम्मी से मेरा कोई बैर नहीं, रियली। जब तुम्हारी मम्मी चाहती है कि तुम्हारी मुझसे शादी हो जाए, तो क्यों ना हम उसकी खुशी को पूरा कर दें। हां नैंसी, मैं ठीक ही कह रहा हूं। पता नहीं क्यों अब तक ठीक ठीक कुछ तय नहीं कर पा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था नैंसी। घर से तो मैं यही सोच के चला था कि तुमसे कह दूंगा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन जब तुमने कह दिया कि हम और नहीं मिलेंगे, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, तो पता नहीं क्यों सब गड़बड़ हो गया नैंसी। और अब आज यहां इस समुंदर के किनारे इस वक्त यकायक सब साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल इस पानी की तरह कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और एक अजीब बात हुई नैंसी, मैं जब यहां आ रहा था ना, रास्ते में हमारा चर्च है, वहां देखा एक दूल्हा और एक दुल्हन चर्च में से आ रहे हैं, सब खुश है, दूल्हा भी और दुल्हन भी। तब मैं सोचने लगा कि आखिर शादी में बुरा ही क्या है, सभी तो खुश हैं। देखो तो इंसान के दिमाग में पता नहीं क्या क्या गुजरता रहता है, कभी कभी यकीन नहीं होता। नैंसी, बेचारा हेनरी, आज यहां आते वक्त क्यों कहा उसने, तब से परेशान हूं। उसे तो मेरे और टोनी के बारे में मालूम होना चाहिए। अब और देर नहीं, मुझे भी फैसला कर लेना चाहिए। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज की मुलाकात का ये नतीजा होगा। चलो चलो, वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। हेलो हेलो, नैंसी का टेलीफोन देने के लिए शुक्रिया, और आपने टोनी को यहाँ भेजा इसलिए आपको भी शुक्रिया। लेकिन डैडी तुम और अंकल आप? अरे मैंने ही तुम्हारे डैडी का पता ढूंढकर उनसे मिला। और चलो चलो चलो, देर हो जाएगी, कल ही चर्च जाकर शादी का इंतजाम करना है। जरूर जरूर। जो फैसला करना है आज ही कर लेंगे, क्या क्रांति? हाँ आंटी, शादी की तारीख भी पक्की कर लेंगे। हाँ हाँ आज ही। अरे वो लोग आ गए। रोजी, अच्छा हुआ फिलोमिना आंटी तुम आ गई, मैं आज खुद तुम्हारे घर जाने वाला हूँ। आज 3 बजे टोनी और नैंसी की शादी है। आंटी आंटी, इन दोनों को मुबारकबाद नहीं दोगी? चलो आंटी, चलो 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 चलो। छाता लाओ आंटी। जरा प्लीज नजदीक आइए। हाँ जी नजदीक प्लीज। हाँ स्माइल, थैंक यू, वन मोर प्लीज। आ जाओ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ
कौन हेनरी? हेनरी!